माननयोग स्पीकर साहब, आप जी नूं पता है कि एक गल पूरी दुनिया दे जानदी है कि अगर 75 साल की राजनीति दे विच अगर किसी पार्टी ने किसी सरकार ने सिक्ख्या ते सेहत नूं अज दे प्रशासन दे केंद्र बिंदु च लैके आया वह आम आदमी पार्टी है। सर मैं दसना चाहूँगा, सर माननयोग MLA साहब ने पूछा, सर सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आने तो पहला मार्च 2022 तो पहला पंजाब के 20,000 स्कूलों के 3500 स्कूल टीचरलैस या सर सिंगल टीचर स्कूल सी। सर अज उन्हां दी गिनती 600 तो घट रह गई है, तो असी सर बाय नैक्सट मार्च 2024 पंजाब पहला सूबा होगा देश का जिथे कोई भी स्कूल सर टीचरलैस या सिंगल टीचर नहीं होगा। सर एक सैकेंड, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ सर तुसीं ये सर सोचो, सर पंजाब हमेशा शहीद आजम भगत सिंह लई सर असी भारत रत्न मंगते रहे। 70 साल किसी ने नहीं किया सर, जिहड़ा खटकर कलां स्कूल का नाम है उसका नाम बदल के शहीद आजम शहीद भगत सिंह के नाम से रखने वाली सरकार सरदार भगवंत मान की सरकार है। सर इस तो बाद सर MLA साहब का सर स्कूल है बंगा, सर ये तकरीबन 1920 बनया सी सर, किसी ने प्रवान मेरे को सर इन्हें पूरे स्कूल की ड्रॉइंग्स तैयार है सर, करोड़ों रुपया खर्च किया सर असी बंगे का जिहड़ा स्कूल ऑफ एमीनेंस है उसनू शानदार बना रहे हैं। सर स्कूल ऑफ एमीनेंस दे विच सर असी रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए हैं ताकि सर जिहड़े गरीब बच्चे है वह वर्ग जिन्हां तक अज तक सिक्ख्या नहीं पहुँच सकी उन्होंने म्यारी सिक्ख्या मिले। सर उन्हां दी जिहड़ी सर यूनीफॉर्म है अज BJP के लीडर भी सर ट्वीट करके जो उन्होंने बच्चों को मिली वो भी मुबारकबाद देंगे है। सर NIFT बेंगलौर तो कराई है सर, उसकी तस्वीर या जाके तुम बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो, पंजाब का कोई कॉन्वेंट स्कूल उन्होंने मेरे स्कूल ऑफ एमीनेंस के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता। सर सर पंजाब पहला सूबा बनन जा रहा सर देश का जिथे 20,000 स्कूलों के 31 मार्च 2024 तक वाईफाई लगेगा। सर 4,000 स्कूलों सर वाईफाई लग चुके सर, 20,000 स्कूलों के 8,000 स्कूलों की चारदीवारी अज हो रही है। सर तुम अब पंजाब की सड़कों पर निकलो, हर स्कूल कुछ काम हो रहा। सर मेरे हल्के पिंड है नानगरां, 70 साल पहली बार चारदीवारी उत्थे हो रही है। सर 7,653 स्कूलों 1,300 किलोमीटर की चारदीवारी की कंस्ट्रक्शन चल रही है। सर 10,000 नवे कमरे बन रहे हैं। सर असी सर ये सिक्ख्या के उत्ते दूजी गल RTE एक्ट जो सर कह रहे हैं, पंजाब के कोल सर 20,000 सरकारी स्कूल है जो इस वक्त बहुत खस्ता हालत के विच है। आप सारे सर पिंडां तो आते हैं, अपने आस पास पिंडां दे स्कूल सर खंडर बने पे उन्होंने ठीक कर रहे हैं। ये RTE एक्ट उत्थे ठीक है जिवें राजस्थान वर्गा सूबा मध्य प्रदेश वर्गा सूबा जिथे कई कई किलोमीटर तक स्कूल ही है नहीं। पंजाब के तो हर पिंड दे विच प्राइमरी स्कूल है, मिडल स्कूल है, हर 5-6 किलोमीटर से सीनियर सैकेंडरी स्कूल है। सर सानू इस करके तो ये हुण नहीं, ये पिछली हर तरह तो जिन्नी भी थिंक टैंक्स आए हैं पंजाब चुनी ये क्या कि अगर पंजाब RTE प्राइवेट स्कूलों वाला रस्ता चुन लूगा तो जो सरकारी स्कूलों की हालत है होर थले आऊगी। इस करके आफ्टर ऑल द रिपोर्ट्स पंजाब ने हमेशा फैसला किया, तो मैनू भी ए सिक्ख्या मंत्री लग्या पहला साड़ी तरजीह साढ़े 20,000 सरकारी स्कूलों को ठीक करनी होनी चाहिए है जो असी कर रहे हैं। सर धन्यवाद। थैंक यू सुखी जी। सर मैं गल तो होर नहीं, बड़े मंत्री साहब बड़ा बहुत चंगा भाषण देंगे है, मैंने लगता चंगे भाषण के नाल बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलनी। मैं मंत्री साहब को बजट पूछा से वो बारे कोई गल नहीं की। एक मिनट मेरी हम मेरी गल सुनो, ये सर जरा ना प्राइवेट स्कूलों जो तुम बच्चे भेजना मंत्री साहब उत्थे आते नहीं उस गलते, तो जे असी किसी भी बच्चे जो कहता कि मैनू मैं फलाने स्कूल पढ़ना तो वो स्कूल प्राइवेट स्कूल कहता भी सानू पहले पैसे दे सरकार दे उते फ्री नहीं पढ़ाया जाता। वो पूछे भी इदा के कोई बच्चों ने कोई बजट रखे वो तो गल ही नहीं की। इन्होंने कुछ जो टीचर स्कूलों की गल नहीं की। सर जो मैं पढ़ता सी ना साढ़े मंत्री साहब भी उस जिले चु बैठे आ, तो असं अपनी बोरी आप लैके जाते उस वे भी लोग डॉक्टर बन गए, उस वे लोग इंजीनियर बन गए, उस वे IAS IPS बन गए। सर कभी चंगी बिल्डिंग ना कभी स्कूल एजुकेशन सर जे देनी है तो एजुकेशन का प्रभाव यह पिया एजुके क्वालिटी ये हो गई कि असी 30% के पास मार्क्स से ले आए जिथे CBSE या दूसरे बोर्ड 35% पास मार्क्स की गल तो आप ना ही करिए बिना पास किए मेरा क्वेश्चन सरकार किसी इस करके इधर ले जाने की लड़ नहीं कि मैं कोई थोड़िया नाकामियां गिना ले खड़ा होया। मैं तो इस करके जोड़े बच्चे जिथे स्कूल के टीचरे है नहीं उन्होंने क्यों नहीं असं प्राइवेट स्कूलों से पाते आप एक बजट का प्रोविजन रख लीए। आप जो लोग स्कूलों दीवारा पक्या करते फिरते हैं आप बच्चे की फीस ही प्राइवेट स्कूल दे दीजिए ये क्यों नहीं प्रोविजन रखते। सर मैं तो यह पूछता हूँ जी मंत्री जी। सर मैं जिमें दसिया कि मार्च 2022 तकरीबन 3500 स्कूल से सर अज वो अंकड़ा 600 तो मैं लगता कि विधायक साहब न उसते मुबारकबाद देनी चाहिए है। तो मैं समा बाउंड दसिया कि बाय मार्च 2024 पंजाब का कोई भी स्कूल
कोई भी स्कूल सिंगल टीचर या फिर सर टीचरलैस नहीं रहूगा। दूजी गल सर, किसी भी चीज़ का बजट कोई भी आंकड़ा मैं मूँह जबानी याद है, नोट कर लें सर, बाउंड्री वॉलों लिए 323 करोड़ पिया जी, जिसे 290 करोड़ लग चुके सर। पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छ सर मैं थोड़ा ये दसना चाहता, पहला सूबा सर देश का जिथे सरकारी स्कूलों सिक्योरिटी गार्ड लग चुके हैं सर, दो सिक्योरिटी गार्ड स्कूलों के बाहर, सरकारी स्कूलों के बाहर तैनात है सर। थैंक यू होर कोई किसी चीज़ का स्पैसीफिक पूछना हो दस दें। थैंक यू आप हो गया जी, हूँ इन आप डिबेट च लगे, एक क्वेश्चन आ रहा जी। सुखी जी पर एक मिनट, सुखी जिन्ना चिर टीचर नहीं देंगे उन्ना चिर क्यों नहीं उन्होंने प्राइवेट स्कूल दे विच पाते, मैं तो आ कहना हिंदी की गल जवाब नहीं देंगे क्यों नहीं, बच्चे जिसे टीचर का स्कूल है या सिंगल स्कूल है उन्हें। आ गया जी तुहाडा क्वेश्चन आ गया जी। मंत्री जी एक मिनट जी, मंत्री जी। सर मैं MLA साहब जेड़े स्कूलों की इन को जानकारी है मैं सर हूनी लिस्ट दे दें, मैं जितों मर्जी टीचर्स अरेंज करके भेजूँ। थैंक यू हो गया जी सुखी जी, हो गया। श्री अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग 904 जी। सरदार हरजोत सिंह बैंस माननयोग सिक्ख्या मंत्री जवाब देंगे। मेरे ख्याल आ गया तो सप्लीमेंटरी पूछ लो राजा जी। मंत्री जी सर दस दिए तो ज़्यादा वधिया जी, नहीं मैं दसन तैयार। चलो आप सप्लीमेंटरी ले लें जी, चलो जी। नहीं सर उस जवाब सुनना चाहते हैं सर। हाँ जी हाँ जी चलो जी सुनना चाहते। सर मानयोग मैंबर साहब का प्रश्न स्कूल ऑफ एमीनेंसा दे रिलेटेड है सर, जिसका जवाब है कि जी हाँ पंजाब सरकार वालों सिक्ख्या क्रांति तहत 117 स्कूलों स्कूल ऑफ एमीनेंस में तब्दील करने की तजवीज़ रखी गई सी। मार्च 2022 तो हुण तक सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल छियाटा सर अमृतसर है जिहड़ा उसका सर इनोग्रेशन हो चुके सर। इन्हें अगे पूछा सर किन्ने स्कूलों लिए नवीं जमीन ली गई, इसका प्रश्न इसका जवाब है जी जी नहीं, क्योंकि स्कूल ऑफ एमीनेंस अधीन बनाए जा रहे स्कूलों पास पहला ही काफ़ी जगह उपलब्ध है, इसलिए इन्हों स्कूलों लिए सरकार वालों कोई नवा जगह एक्वायर नहीं की गई है। इस वाधू पई खाली जमीन में ही सर 60 स्कूल इदा दे सर मैं दसना चाहूँगा। 117 स्कूलों असी 3 कैटेगरिया सर असी वंडिया सी। कैटेगरी ए वो स्कूल जिसकी इमारत ठीक है पर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके कमरों जिसके लैबों अपडेट करके वो स्कूल सर पहली श्रेणी के जिद एक स्कूल का इनोग्रेशन हो चुके सर। तकरीबन 6 स्कूल अगले एक महीने लॉन्च हो जाएंगे, सिर्फ फर्नीचर उन्हों का आना बाकी है, 6 स्कूल होर लॉन्च लिए तैयार है। कैटेगरी बी वो स्कूल सर जिथे कुछ इमारत ठीक है पर कुछ नवे ब्लॉक बनाने पैणगे, तो उस कैटेगरी 60 स्कूल इदा दे जिथे जगह है पर नवे ब्लॉक उन्हों सारी चल रही है सर। 95 स्कूलों का स्कोप ऑफ वर्क, 95 स्कूलों इस वक्त सर काम चल रहा। तो कैटेगरी सी वो है सर जिथे पूरी सरकार जिथे इमारत इन्नी खस्ता है कि सारे स्कूल ढा के नवा स्कूल बनाना पैना, बाकी जेडे रेंदे स्कूल है जी वो सर उस कैटेगरी विच है सर। जगह एक्वायर नहीं की पर कुछ स्कूल इदा दे जिथे सर 2 मिनट देर सुन लैन पंजाब भी बहुत कम करते हैं सर पता ही सर। 3 स्कूल इदा दे सर दस है सर स्कूल का सिक्ख्या का मसला सर कम करते हैं इन्हों के प्रश्नों के राही सू दसन का मौका मिलता है सर। 3 स्कूल इदा दे जिथे असी सर या पंचायत को सर कैड़ा पिंड है MLA साहब के हल्के का स्कूल है सर, मानसा शहर का जोड़ा स्कूल है उत्थे सर असी मंडी बोर्ड तो जमीन ले रहे हैं सर, विद द इंटरवेंशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर मानसा सर असी उत्थे जमीन ले रहे हैं। नवे शहर के सर MLA साहब का नछत्रपाल जी के हल्के का स्कूल है उत्थे एक पिंड ने सर जमीन जी दान की है। 4 स्कूलों के सर सानू जमीन अक्वायर करन की लोड़ नहीं पई, 4 स्कूलों वास्ते सर सानू पंचायत ने या मंडी बोर्ड ने या होर सरकार के अदारे ने दे दी है। उस तो बाद सर साल 2023-24 दौरान पंजाब सरकार वालों स्कूलों की एमीनेंस स्कूल ऑफ एमीनेंस के स्कूलों लिए 204.80 करोड़ रुपए का बजट रखवा रखा गया, जिस विच हुण तक कार्यकारी एजेंसियां जिवें कि लोक निर्माण विभाग PWD सर सर काम नूं होर तेज़ करन लई सर असी वख-वख एजेंसियां नूं दे दित्ता। PWD दे नाल नाल असी सर पंचायती विभाग BDA बठिंडा डिवेलपमेंट एजेंसी गलाडा गमाडा कुड्डा सर इन्हां नूं भी असी रोप इन कर लिया ताकि काम होर तेज़ हो सके। तो सर वख-वख एजेंसियां नूं हुण तक सर 62 करोड़ रुपया जा चुक्या, जिवें जिवें सर काम होई जा रहा जिवें जिवें वो बिल आई जाएंगे बाकी पैसे भी सर चल ही जाएंगे सर। इन्हां दे स्कूलों के सर विद्यार्थियों की वर्दी लई जिवें मैं पहलां दस्सिया सर 3.5 करोड़ रुपया सर वो लग चुकिया सर। इन्हां विद्यार्थियों नूं सर एक्सपोजर विजिट्स कराए जा रहे हैं सर। साढ़े सानू माण वाली गल है कि पंजाब इकलौता सूबा जिहदे स्कूल ऑफ एमीनेंस के बच्चे सर इसरो का हर सैटेलाइट लॉन्च सर चंद्रयान 3 के लॉन्च देखने लई
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸਰ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਐਲਵਾਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨਡੀਏ ਜਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਚਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪੇਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂਗਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, 20 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਬਦੋਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਟੀਚਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਟਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਹੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਖਿਸਕੋ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ 8400 ਬੱਚਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8400 ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਉਹ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕੰਮ ਸਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤਾਂ ਗਿਰਨਗੀਆਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ